कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, गोला चीका का यह मामला, जहां शिक्षक की ओर से अश्लील लिंक भेजने का एक मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को कोर्ट में पेश किया। आरोपी शिक्षक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। छात्राओं ने की थी ग्रुप में अश्लील लिंक भेजने की शिकायत। यह बड़ी खबर, महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया था। गोला चीका का यह मामला है, एक आरोपी टीचर जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया। छात्राओं ने ग्रुप में अश्लील लिंक भेजने की शिकायत की थी। एक टीचर पर यह आरोप कि उसने अश्लील लिंक भेजा कोई ग्रुप में, जिस पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और अब इस मामले में आरोपी शिक्षक को, आरोपी टीचर को कोर्ट में पेश किया गया पुलिस की तरफ से और अब आरोपी शिक्षक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्राओं ने मामले में शिकायत की थी और महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। अश्लील लिंक भेजने का मामला है, ग्रुप में अश्लील लिंक भेजने का आरोप है आरोपी टीचर पर, गोला चीका का यह मामला। आरोपी शिक्षक अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। छात्राओं ने ग्रुप में अश्लील लिंक भेजने की शिकायत की थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया। महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और अब आरोपी टीचर की गिरफ्तारी कोर्ट में पेश करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया आरोपी टीचर को। आरोपी शिक्षक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर्ष गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। हर्ष, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए इस पूरे मामले में महिला आयोग की जो है अहम भूमिका देखने को मिली है, जहां पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी कैथल को कड़े आदेश दिए गए थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया गया है, जहां पर उन्हें 16 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले एक साल से उक्त अध्यापक पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के आरोप लग रहे थे, जिसकी शिकायत जो छात्राएं हैं स्थानीय अधिकारियों से लेकर सीएम तक दे चुकी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। इस पूरे मामले में जब महिला आयोग के संज्ञान में आया तो महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करवाया, और जब इस बारे महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था किसी भी सूरत में जो है लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले भी कई मामले उनके संज्ञान में आए हैं तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अध्यापकों को गिरफ्तार करवाया है। जी हर्ष, कब का ये मामला है लिंक भेजने का पूरा, और इस मामले में क्या कुछ जांच पड़ताल अभी तक? देखिए हितेंद्र, आपको बता दें कि यह पूरा मामला है शनिवार की बात है, जहां पर देर रात जो आरोपी अध्यापक था उसके द्वारा छात्राओं के एक व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो का लिंक भेजा गया था, जिसकी शिकायत जो छात्राओं ने प्रिंसिपल को दी थी। उसके बाद प्रिंसिपल द्वारा एक इंटरनल कमेटी बनाकर कॉलेज की जांच की गई थी, जिसमें आरोपी अध्यापक को दोषी करार दिया गया था। उसके बाद उस कमेटी को ई रिपोर्ट को पुलिस को सौंपा गया था, पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि जो बीच में दो दिन थे उसमें जो पुलिस है मामले की जांच कर रही थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि कॉलेज प्रशासन जो है इस पूरे मामले में आरोपी अध्यापक को बचाने में जुटा हुआ था, लेकिन महिला आयोग की अध्यक्ष के संज्ञान के बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ और आरोपी अध्यापक गिरफ्तार हुआ। जी, और आरोपी अध्यापक की तरफ से कोई सफाई दी गई इस मामले में? देखिए, जब इंटरनल जांच कमेटी बैठी कॉलेज की तो उसके अंदर आरोपी अध्यापक ने अपना जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन इसी बीच उन्हें 7 दिन का समय दिया गया था। जैसे ही जो रिपोर्ट है पुलिस को फॉरवर्ड हुई तो पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी अध्यापक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जो है न्यायिक रास्ते में भेज दिया गया है अदालत में पेश कर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारी देने के लिए। तो आरोपी शिक्षक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। छात्राओं ने ग्रुप में अश्लील लिंक भेजने की शिकायत की थी और इस मामले में अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई है, महिला आयोग की अध्यक्ष। रेणु जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया रेणु जी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की, कोर्ट में पेश किया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया फिलहाल आरोपी शिक्षक को। इस तरह से देखिए इस मामले को, महिला आयोग ने भी उठाया था। देखिए, हमने इस मुद्दे को पिछले 3-4 दिन से लगातार उठाया हुआ है, सुमोटो हमने लिया जी। और एसपी से बात करके इसको सख्त कार्रवाई करने के 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए, क्योंकि इस तरह की वाहियात वीडियोस जो वो लड़कियों को भेज रहा था, हमें चिंता थी कि वो इसी चक्कर में पुराना जींद और दूसरे क्षेत्रों वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि केथल में पहले भी इस तरह का मामला उठ चुका है। तो
तो इसीलिए हम लोग सख्त थे और मेरा स्टाफ लगातार वहां के एएसपी से डीएसपी से बात में था जो इस केस को पर्टिकुलर देख रहा है। तो आज मुझे अच्छा लगा कि पुलिस ने सख्त कार्रवाई करी और उन बेटियों की सहायता हुई जो बहुत परेशान थे अपने इस प्रिंसिपल से। रेणु जी, मामला इस तरह से सामने आ रहा है, हमारे संवाददाता जुड़े थे हमारे साथ, तो वो बता रहे थे कि पिछले काफी समय से इनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की भी शिकायतें, क्या दूसरे मामलों में भी जांच पड़ताल होगी? देखिए, मुझे दुख इस बात का होता है कि इस तरह के व्यक्ति, जैसे अगर आपको ध्यान रहा हो कि जींद में इस तरह से हुआ, केथल में हुआ, अंबाला में हुआ था, तो इन लोगों के लगातार दो दो साल से, चार चार साल से शिक्षा विभाग में भी शिकायतें जा रही थी। मुझे हैरानी तब होती थी कि शिक्षा का मंदिर जिसमें हम अपने बच्चों को भेजते हैं और सौंपते हैं उनके भविष्य को, उस मंदिर में इस तरह की अपवित्रता की सोच और बातें हों और शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ ना करते हों, इस बात का मुझे दुख था। मैंने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से और शिक्षा के ACS वगैरह से भी उठाया था कि जिस व्यक्ति की इस तरह की कार्रवाई, शिकायत पता लगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, तुरंत जांच करो। यदि इस तरह का है तो लिंगर ऑन क्यों करना दो दो वर्षों तक, चार चार वर्षों तक? क्या हम वेट कर रहे हैं कि वो किसी बेटी के साथ अनहोनी करे या उसका उसके साथ रेप की घटना घटे या उसके साथ छेड़छाड़ इस हद तक घटे कि वो आत्महत्या की नौबत तक पहुंच जाए या स्कूल छोड़ने की नौबत तक पहुंच जाए? इस बात की महिला आयोग को बहुत चिंता है और हमेशा से थी, और आगे इस तरह की कोई ढील, कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। आपके हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं माननीय DG साहब को ये कहूंगी कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई आए कपूर साहब, आप तुरंत प्रभाव से उस क्षेत्र के SP को इसके ऊपर पूर्ण कार्रवाई करने के आदेश दें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए। तो अब इस मामले में कार्रवाई हो गई है, आरोपी शिक्षक को कोर्ट में पेश करके अब न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है।